मेरा नाम विहार वैभव है और मैं महामानव के संसदीय क्षेत्र बनारस से आता हूँ। कल कार्यक्रम की शुरुआत में अशोक जी संभवतः स्मृत भ्रंश की वजह से यह कहें कि उनका पहला संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, जबकि उनका पहला संग्रह उनके उनके जीवन काल में ही आ गया था। 72 में आया था संसद से चढ़ और 75 में उनके उनका ध्यान होता। धूमिल ने एक कविता में कहा कि यह संसार की बात है जब मैं अपनी कविताओं की हद लांघ रहा था। धूमिल की कविता को पढ़ने के लिए संसार और उसके पहले जो 55-56 से शुरू किया लिखना धूमिल ने, इन दोनों कविता लेखन के हिस्से को बांटना जरूरी है। 55-56 से वो गीत लिखना शुरू करते हैं और खूब गीत लिखा उन्होंने। धूमिल समग्र में जितने उपलब्ध हैं गीत सब संकलित हैं। और 60 के बाद 61 के आसपास से वो नई कविता के प्रभाव में और बहुत जल्द उस प्रभाव से बाहर भी कविताएं लिखना शुरू कर दिए। लेकिन उनकी गीत की जो गीत काल का जो समय था कविता काल से अलग पहले वाला, वो उनसे छूटा नहीं था। धूमिल की कविताओं की संरचना देखेंगे तो तीन चीजें मिलकर धूमिल कविता बनाती है। जन पक्षधर कथ्य, सार्थक वक्तव्य और मुहावरेदार लेकिन कथनांत में तुक मिलाने वाली भाषा। तो ये दो चीजें जो थी, यानी जन पक्षधर कथ्य और सार्थक वक्तव्य, यह धूमिल के कविता काल की खोज थी, यानी संसार के बाद की खोज थी। और यह जो मुहावरेदार लेकिन तुकांत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह उनके गीत लिखने के व्यसन से उनको मिला था, जिसका मुंह छोड़ नहीं पाते। ये अलग बात है कि अपने गीतों में डायरियों में वो लगातार ये बोल रहे हैं कि निष्ठा का तुक विष्ठा से नहीं मिलाना। लेकिन यह क्या खतरनाक बात है कि मंडी का रूप तुक व रंडी से मिलाते हैं। अपने आप को उलट देने का काम वो लगातार अपनी कविताओं में कर रहे थे। तो ये जो जन पक्षधर कथ्य की खोज कर रहे थे, वो एक खास जनता के पास जाना चाह रहे थे। उनकी पूरी बेचैनी, कविता की बेचैनी ही उस जनता के पास जाने की थी जिस जनता के पास अभिजात भाषा नहीं थी, सुसंस्कृत भाषा नहीं थी, उसके पास भदेश भाषा थी। और धूमिल के भदेश होने का एक बड़ा कारण वो जनता है जिनकी बात वो कह रहे हैं। डायरी को लगातार एक जगह डायरी में लिखे कि कविता की भाषा रसोई घर से लेकर प्रणाली तक के जीवन की भाषा होनी चाहिए। तो वो कौन सी जनता थी जिसके पास वो जाने की कोशिश कर रहे थे? तो देखिए वो कौन सी जनता है। मैंने उस अकेले दुख को कला में ढालने की कोशिश की, गरीब की जिंदगी का रोजनामचा बनाया। यह इतना स्पष्ट नहीं करता है कि वो कौन सी जनता है जिसकी जिसकी बात भूमि कहने के लिए छटका रहे। यह उदाहरण ज्यादा स्पष्ट करेगा। मैंने उन्हें कीचड़ से पानी निकालकर पीते हुए देखा है, मैंने उन्हें गोबर में से अनाज निकालकर खाते हुए देखा है। मुझे याद नहीं आता कि गोबर से अनाज निकालकर खाने या उसकी रोटियां बनाने का धूमिल के पहले या धूमिल के बाद किस कवि ने इसका जिक्र किया है। जबकि मैं जिस समाज से आता हूं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी। हमारे पिता तक की स्मृतियों में ये चीज है। और कई बार तो वो उसके व्यामोहों में पढ़कर उसकी इच्छा भी करते हुए पाया मैंने उनको। तो ये थोड़ी दृष्टता होगी, या आप कहें आत्मसम्मोहन हो सकता है, कि यह जनता है जो गोबर में से अनाज निकाल निकालकर खाने के लिए अवशप्त है और
हिंदी में इस जनता का यह बिंब पहली बार भूमि के यहां आता है और दूसरी बार खुद मेरे यहां आता है। पहली बार जब आता है तो उस सेकेंड पर्सन के रूप में आता है और बाद में वो फर्स्ट पर्सन की तरफ आता है। बहुत ऐसी बातें नहीं है जिन्हें मैं बहुत अच्छे ढंग से या बहुत सकारात्मक ढंग से लक्षित कर पाऊं, लेकिन एक चीज थी जिसके लिए धूमिल कभी भी भुलाए नहीं जा पाएंगे, वह थी कविता भाषा के अभिजातपन को तोड़ने की। ऐसे ऐसे शब्दावलियां, ऐसे ऐसे दृश्य जिसको प्रकट कर दीजिए, यही मैं सुनाऊंगा, आप खुद असहज हो जाएंगे, अब भी असहज हो जाएंगे, मैं तारक सर कह रहा हूं। लेकिन धूमिल ने उस भदेशपन को कविता में लाने की जिद ठानी और लेकर आए। मासिक धर्म में डूबे हुए लगते सा खड़खड़ाता हुआ दिन, जाड़े की रात में जले हुए कुत्ते का घाव सूखने लगा है, या हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पे गाय ने गोबर कर दिया है। अभी कह भी नहीं सकते, अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं गाय भी मार सकती है इस मुद्दे पर, लेकिन जो कल बात हो रही थी संभवतः श्रीकांत वर्मा जी की बात हो करते हुए कह रहे थे कि देश के बारे में, देश चूंकि कल्ट है, कभी भी आसान नहीं था देश के बारे में इस तरह से लिखना। फिर हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर गाय ने गोबर कर दिया है तो ऐसी शब्दावलियों का क्यों इस्तेमाल हो रहा था? यह इस्तेमाल हो रहा था क्योंकि धूमिल ने जिस जनता को चुना था उस जनता के पास वह अभिजात भाषा नहीं थी, और उस जनता तक पहुंचने के लिए जिसकी बात बातचीत कर रही थी कि बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही थी, वो जो उनका सार्थक वक्तव्य कह देने की जिद थी, उसने धूमिल को मतलब आधुनिक हिंदी कविता में सबसे ज्यादा उद्धृत कवियों में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं बालकृत, वो बुलेट कभी कभी बैक फायर करता है और खुद आत्मघाती हो जाते हैं। वो आप सबसे ज्यादा जो आत्मघाती, जहां आत्मघाती होते हैं वो स्त्री मुद्दे पर होते हैं, जिसके बारे में बहुत बातचीत होती रही, लेकिन मैं फिर भी करूंगा क्योंकि जितनी बातचीत होती रही वह अपर्याप्त है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले 20-25 सालों में धूमिल को पढ़ाया जाना और भी कठिन होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारी लैंगिक संवेदना हमारी भाषा में जगह बनाएगी, उनको पढ़ाया जाना मुश्किल होता चला जाएगा। उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके पूंजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। मैं जानता हूं कि ये जो शब्दावलियां मैं अभी जो कोट यहां कर रहा हूं असहज कर रही है चीजें, लेकिन यह धूमिल की कविता है जिसके बारे में हम शायद पर्याप्त बात करने से बचते हैं। हिजड़ों ने भाषण दिया लिंग बोध पर, वैश्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मशोध पर, आखिर अब जब हम LGBTQ की यात्रा में यहां तक निकल आए तो क्यों नहीं केस कर देना चाहिए? यही तक नहीं, मैं आपको एक कोट सुनाऊं। कल सुदामा पाने मिले थे हरौगा बाजार में, देखते ही कहने लगे यार खूब हो, पानी देखते हो गाने लगते हो, आदमी देखते हो कतराने लगते हो, चेहरे पर चमाई मूत गई थी। वह भूमि जो 65 में मोतीराम लिख रहे हैं और बहुत बहुत अच्छी कविता, हालांकि स्त्री विषय समस्या उसके अंदर भी, लेकिन आप देखिए कि एक पुरुष होने का सहोदर है, क्योंकि जब वो एक चमार मोतीराम की कविता लिख रहे हैं तब ऐसी कोई बात नहीं कह रहे, तो चमाइन के मुंह चेहरे पे चमाइन के मुंह जाने से एक ऐसा दृश्य तैयार हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां तैयार हो रही है कि जिसे बहुत गड़बड़ चीज है और समस्या, बहुत समस्या है।
तो यह उनके भीतर का स्त्री विरोध ही था। जो मोची राम के बारे में बात करें, यानी पुरुष के पुरुष चमार के बारे में बात करते हुए बहुत समस्या व्यक्त नहीं करता है, लेकिन जब स्त्री आती है, जब स्त्री आती है तो एक भद्दे परिस्थितियों को जन्म देती है। यहीं पे हमें दलित स्त्री विमर्श की जरूरत महसूस होती रही है। इतनी देर पर मैंने सोचने की कोशिश की कि इस भाषा के पीछे क्या कारण है, धूमिल ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, दलित शब्द का आविष्कार कब हुआ? अरे बाद में बोलना, चलिए मैं इसके लिए पैसा लूंगा आपसे, बताइए। तो मैं जानबूझकर दलित नहीं कह रहा हूं, समझिए इस चीज को। जब धूमिल चमाइन कह सकते हैं, मैं दलित क्यों कहूं? धूमिल को कोई गुरेज नहीं है तो मुझे क्यों होनी चाहिए? तो इस भाषा के पीछे एक बड़ा कारण था उनका शहर, जिस शहर में मैंने भी 15-16 साल अब तक बिताए, और वो है बनारस। बनारस वाले शायद मेरे लौटने पर मुझे कूट दें, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, बनारस मूलतः गालीबाजों का शहर है। ऐसे नहीं सब गालीबाज हैं, लेकिन बीच में मत बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बनारस के सभी लोग गालीबाज होते हैं, लेकिन जो अपने आप को बनारस का नागरिक क्लेम करता है, बनारसी क्लेम करता है, उसकी भाषा में वो है। यही कारण है कि मैंने अभिनेताओं को, और यहां तक कि हमारे शिविर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री तक को सार्वजनिक रूप से बनारस में गाली सुनते हुए देखा है। गाली वहां के स्वागत शब्दों में शामिल है, और स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर वो पहुंचे मंच पर आप गाली न दें तो ये उसे अपना अपमान समझते हैं, वो नारे के साथ गाली देते हैं। तो एक तो धूमिल का विकसित विवेक, बनारस का परिदृश्य, तीसरा जो कारण है मुझे समझ में आता है, नामवर जी को मास्टर जी कहते थे और लगातार पत्र व्यवहार था, मिलना जुलना था, तो काशीनाथ जी बहुत अच्छे मित्र थे उनके, त्रिलोचन जी का साथ था उनके पास, लेकिन क्या वजह थी कि उनके इस परिवेश ने, यानी इन विचारकों ने धूमिल की इस भाषा पर कभी टिप्पणी नहीं की या सुधारने की कोशिश नहीं की? क्या ऐसा उस भाषा को ग्लोरीफाई करके हम किसी नई भाषा की इजाद की कोशिश कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे? आलोचकों ने कहीं, मैंने डायरी पढ़ी, पूरा धूमिल समझ पढ़ा भी, कहीं नहीं, कहीं धूमिल के समकालीन उनकी इस भाषा पर इस तरह से टिप्पणी नहीं की। समकालीन मतलब जो उनकी इर्द गिर्द, तो बनारस ने उनकी इस भाषा को विकसित करने में बहुत भूमिका निभाई। लगभग 2012, मैं चाहूं तो एक और उदाहरण दे दूं, लेकिन व्योमेश जी हो सकता नाराज हो जाए। 2013 में चुनाव के ठीक पहले एक कार्यक्रम हुआ विद्यापीठ में, वहां पे व्योमेश जी ने कविता पढ़ी, मेरे पास एक खूंटा है जिस पर मैं अपनी गाय नहीं बांधूंगा, यह नरेंद्र मोदी की गांड में जाएगा। तो ये जो भाषा है, और धूमिल की ये जो भाषा है, क्या इसके पीछे शहर कुछ कर रहा है? शहर उसकी अनुमति दे रहा है क्या? मैं पाता हूं दे रहा है। अगर शहर के लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि आपका चाहे जितना विरोधी हो, आपका चाहे जितना बड़ा वैचारिक शत्रु, आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो शायद व्योमेश जी या बाद में बिहार को कभी नहीं करते, मैं तो कभी नहीं करता, नहीं करते। धूमिल ने सत्ता विरोध की बहुत सारी कविताएं लिखी, ज्यादातर कविताएं उनकी उसे की हैं, लेकिन मैं पाता हूं कि
जिस राजनीतिक समझ की उपस्थिति होनी चाहिए वह उतनी साफ नहीं है, वह बहुत सपाट है। वह इतनी सपाट है कि वह सत्ता विरोध के चक्कर में पार्टी विरोध में उतर आते हैं। और अब सब पंक्ति जानते हैं, हर सवाल के जवाब में बटन के कोर्ट के बटन होल में एक फूल गुलाब का नेहरू को लेकर उन्होंने विरोध में लिखी। और मैंने देखा कि वो जो 2013-14 का समय था जिसे मैंने अपने विकसित होते समय में समझा, मतलब ठीक ठाक वो समय है जब मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहा था, तो उस समय मैंने पाया कि नेहरू के विरोध में इन पंक्तियों का इस्तेमाल उनके विरोधियों ने खूब जम के किया और इस तरह किया जैसे धूमिल उनके कवि हैं, कांग्रेस विरोधियों के कवि हैं धूमिल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कवि तय करेगा कि उसकी कविताएं कौन बाद में इस्तेमाल करे कौन नहीं करे, लेकिन ये उम्मीद कर सकता हूं कि उस विवेक के साथ हम कविता में उतरे कि आगे चलकर हमारी कविताओं का इस्तेमाल हमारे ही शत्रु न कर पाए। मतलब नेहरू तक का मामला तो ठीक भी था, आप जब इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं तब भाषा देखिए, हर बार की तरह तुम सोचते हो कि इस बार भी यह औरत की लालची जान से शुरू होगा और कविता में फैल जाएगा। यह अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ, यह और स्पष्ट होगा। एक गद्दी नशीन औरत अपनी जानों में धमाका दबाए हुए बैठी, यह आपातकाल की जो पूर्वाभास है उसके बारे में कह रहे हैं। एक गद्दी नशीन औरत अपनी जानों के बीच धमाका दबाए बैठी। जब आप एक पुरुष विरोधी का जिक्र करते हैं तो फूल का रूपक लेते हैं, लेकिन जब आप एक स्त्री विरोधी का इस्तेमाल करते हैं तो आप तुरंत जानों के बीच में चले जाते हैं। बहुत इच्छा है वहां धमाके उस धमाके को जान लेने की। तो ये धूमिल की जो संरचना थी उनकी विवेक, उनके विवेक जो इजाजत देता था उस तरह का था। यह यहीं नहीं रुकता, पहले संग्रह के आवरण पिछले हिस्से में 20 मादक कविताएं करके एक कविता श्रृंखला का जिक्र है, 20 मादक कविताएं। मैंने उसमें से 9 ही उपलब्ध हैं, बाकी 11 मिल नहीं सके, धूमिल समग्र में है भी नहीं। तो मैंने पढ़ा तो मैंने पाया वो 9 कविताएं जो 20 मादक कविताएं जिन्हें कह रहे हैं वो सब की सब काम तप्त भंगिमाओं, काम स्मृतियों और काम के बारे में है, सेक्स के बारे में। तो एक तो सवाल ये कि जब वो काम के बारे में लिख रहे हैं तो उसको मादक कविता क्यों कह रहे हैं? अगर सेक्स को मादक कविता क्यों कह रहे हैं? अब जबकि उसमें दोनों सत्री हैं। दोपहर में अंधा होने का खेल खेलते हुए सहसा हमने छू ली थी छाती पर उगी हुई कमल गांठ। अगले, देह के अंधेरे में नीली नस नाड़ियों वाला उत्तेजित चमड़ा चिल्लाता है। तो मादक यानी काम के बारे में लिखते हुए उनके मादा कविताएं कहने का जो रहस्य मैं समझ पाया वह ये हो सकता है कि हमारा समाज ऐसा है कि एक तो हमने स्त्री को यानी मादा को कोट एंड कोट सेकेंड क्लास का क्लास की नागरिकता दी, दूसरे धूमिल का जो परिवेश है वो सेक्स को एक द्वयंदर्भी का मामला मानता है। ये अलग बात है कि 24 घंटे में से नींद का समय मिला लिया जाए तो 18 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम स्वस्थ कविताएं काम के बारे में सेक्स के बारे में स्वस्थ कविताएं हम नहीं पा रहे हैं, अपनी ही कविता हिंदी कविता में नहीं पा रहे। और जब धूमिल लिख रहे हैं बहुत अच्छी कविताएं हैं उनको, मतलब अच्छी तो क्या कहीं कहीं तो बहुत ब्लेंडर है लेकिन ठीक है, मतलब काम के बारे में वो कविताएं हैं। तो मादक कविताओं कहने का पीछे उनका यही कारण था कि उनके जहन में उनके पूरे व्यक्तित्व में स्त्री की जो स्थिति थी वो बहुत ही समस्याग्रस्त थी, बहुत भीषण थी।
और मैं अपनी बात को फिर दोहरा दूं कि आने वाले समय में धूमी को पढ़ना और पढ़ाया जाना मुश्किल होने वाला है।